जनसेवा केंद्र पर चाकू दिखाकर एक बाइक संख्या UP 53 CG 6873 पर सवार तीन बदमाशों ने 32,000 की लूट कर हुए फरार। मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र का। सूचना पर मौके पर पहुंचे SP नॉर्थ ने की घटना की छानबीन। कहा, मिले हैं क्लू, जल्द होगा घटना का खुलासा। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के साथ ही अब जनपद में एक बार फिर कोरोना ने दी है दस्तक। सोमवार को मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज, दोनों संक्रमित एक ही परिवार के। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, स्वास्थ्य विभाग की टीम है सजग, डरने की नहीं है जरूरत, रहे सतर्क, लगाए मास्क को और करे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के शहादत दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के रूप में किया घोषित। पिछले कई वर्षों से हो रही थी मांग, सिख समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी को दिया धन्यवाद, प्रकट किया आभार। मारपीट व हत्या के आरोप में 5 अभियुक्तों रमेश वर्मा, उमेश वर्मा, सुजीत वर्मा, रंजीत वर्मा और सूरज वर्मा को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। SP नॉर्थ ने किया खुलासा। बांसगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत ततरौली में शौचालय निर्माण के घोटाले में दोषी पाए जाने वाले ग्राम प्रधान व सचिव को जिलाधिकारी ने 15 दिन के अंदर GPRO कार्यालय में 6,18,000 रुपए जमा करने का दिया निर्देश। नहीं जमा करने पर की जाएगी विधिक कार्रवाई, CDO ने दी जानकारी। से बचने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था होने के बावजूद कुछ लोग अभी भी सड़कों के किनारे बने फुटपाथ पर किए हुए हैं कब्जा। ट्रैफिक जाम की समस्या के साथ कर रहे हैं शहर की सुंदरता को दागदार, रैन बसेरे हैं खाली। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने अभियुक्त सुरेंद्र राम व जगह थाने की पुलिस ने अभियुक्त अभिषेक यादव की खोली हिस्ट्री शीट। रखी जाएगी उनकी आपराधिक गतिविधियों पर नजर, SP नॉर्थ ने दी जानकारी। बहुजन समाज पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। BSP के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, बसपा में ही सभी वर्ग के लोगों का होता है सम्मान। आगामी निकाय चुनाव में सर्व समाज के लोग बसपा के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का करेंगे कार्य। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर मोहद्दीपुर गुरुद्वारा से महानगर में गुरु ग्रंथ साहब की सुशोभित पालकी वाहन की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में हुए शामिल।